दोस्तों बस 5 दिन और हमें एयर स्ट्राइक देखने को मिलने वाली है। इंडियंस की, एवरी इंडियंस की वही भावना, वही फीलिंग्स दोबारा से उभर के आने वाली है जो सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखने के बाद उमड़ी थी, क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक 2 है जो पुलवामा अटैक में जो दरिद्रता हुई थी उसके रिटालिएशन में जो एयर स्ट्राइक करी गई थी उस पर मूवी आ रही है। भाई साहब ऋतिक रोशन के मेन लीड एंड अनिल कपूर एंड दीपिका पादुकोण के सपोर्टर में भाई साहब फाइटर मूवी फुल रेडी है, सर्टिफिकेशन के साथ, रन टाइम के साथ और एडवांस बुकिंग धड़ाधड़ चल रही है, क्योंकि 5 दिन और बाकी हैं तो एडवांस बुकिंग जो धड़ल्ले से आगे बढ़ रही है। भाई सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे कि मूवी क्या से क्या आग फाड़ने वाली है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर एक आध मिनट में काम पसंद आ जाए तब। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब फाइटर मूवी को सर्टिफिकेशन दे दिया गया है, सेंसर बोर्ड ने क्लीन चिट दे दी है, यूए सर्टिफिकेशन से इसे नवाज दिया है। रन टाइम मूवी की है 2 घंटा 46 मिनट एंड 33 सेकेंड, तो ऐसा मूवी की लेंथ भी कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, क्वाइट इम्प्रेसिव है इतनी लेंथ में मूवीज बनाई जाती हैं। और यस जिस हिसाब का इसका कंटेंट है, क्योंकि भाई साहब ये भारतीय वाला जो कनेक्शन है ना, ये देशभक्ति पैट्रियोटिज्म वाला जो कनेक्शन है, और जस्ट रिपब्लिक डे के एक दिन पहले आ रहा है, और जब भाई साहब ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक, जबकि हमें ट्रेलर में कहानी पूरी मालूम है, मूवी के पीछे जो कहानी है उसके पीछे जो कनेक्शन है, भाई साहब ये खेलने वाले हैं और दमदार खेलने वाले हैं। तो भाई साहब ये फर्स्ट डे पर कितनी आग फाड़ सकती है, मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कितनी कमाई कर सकती है, उसके लिए एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है डे वन के लिए, जहां हिंदी 2D से 11,58,413 रुपए का कलेक्शन ये कर चुके हैं, जिसमें 6,092 टिकट ये लोग बेच चुके हैं 279 एवरेज टिकट प्राइस के साथ, और 677 शोज हिंदी 2D के साथ आ चुके हैं। हिंदी 3D की बात करें तो भाई साहब 12,61,612 रुपए का कलेक्शन ये अपने खाते में ले चुके हैं एडवांस से, और 3,109 टिकट ये हिंदी 3D से बेच चुके हैं, 330 एवरेज टिकट प्राइस है और 1,103 सोच है। हिंदी IMAX 3D की बात करें तो भाई साहब 2,47,530 रुपए का कलेक्शन ये कर चुके हैं एडवांस से, 415 ये लोग टिकट बेच चुके हैं एंड 576 एवरेज टिकट प्राइस है, 55 सोच है। हिंदी 4D IMAX और 3D की बात करें तो भाई साहब 9,200 रुपए का कलेक्शन ये वहाँ से कर चुके हैं, 13 टिकट बेच चुके हैं, 693 टिकट एवरेज प्राइस है एंड 1500 इसके खाते में आ चुके हैं। तो ऐसा ऑल इंडिया से ही अभी तक बुकिंग ले चुके हैं, मतलब चारों वर्जन्स को मिलाकर लगभग 27 लाख का कलेक्शन सिर्फ एडवांस से अभी ले चुके हैं, जो 5 दिन पहले देखा जाए तो फिर भी कम है। अगर जवान, पठान, सलार या फिर लियो, इन मूवी से, एनिमल मूवी, इन सारी मूवी से अगर कंपेयर करें तो वैसा फाइटर के पास उतना कलेक्शन अभी नहीं आया है, हाइप उस हिसाब की नहीं बन रही है। 9,629 टोटल टिकट ये लोग अभी तक एडवांस से बेच चुके हैं, 1,850 सोल इनके खाते में आ चुके हैं टोटल अभी तक। दूसरी तरफ नेशनल चेन्स में भी एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है, लेकिन वहां पर भी उतना ज्यादा रेस्पॉन्स या रुझान नहीं देखने को मिल रहा है। ओवरसीज की बात करें तो भाई साहब $80,000 का एडवांस कलेक्शन टोटल अभी तक आ चुका है, वो भी सिर्फ 3 जगह से, लाइक नॉर्थ अमेरिका से आया है भाई साहब जो फर्स्ट नंबर पर है $50,000 के आसपास, ऑस्ट्रेलिया से $20,000 के आसपास एंड UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट से आ चुका है $10,000 के आसपास कलेक्शन। तो ओवरसीज से अभी $80,000 का ही कलेक्शन आया है, लेकिन फर्स्ट डे ओपनिंग की बात करें जिस हिसाब की अभी बुकिंग चल रही है तो नेट इंडिया से ये मूवी फर्स्ट डे पर कलेक्शन करते नजर आ रही है 25 से 30 करोड़ के आसपास एंड ओवरसीज से 40 से 45 करोड़ के आसपास। तो फर्स्ट डे ओपनिंग क्या रह सकती है और लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रह सकता है, ये मूवी 1,000 करोड़ टच करने का पोटेंशियल रखती है नहीं रखती है, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जय।